एक तो सच्चा तदा नाम सच्चा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। वो जो तीनों लोक का स्वामी परमात्मा परम ब्रह्म है उसकी हम आराधना करते हैं। वो हमारी आत्मा में अपनी सुगंध को बढ़ावे, प्रकाश को बढ़ावे। ये हमारी बिटिया है, लहरापुर से है और आज ही इसका नाम हमने रखा है तपस्वनी, और पहले इसको तानिया तानिया बोलते हैं। तो इसका दोबारा ये पुनर्जन्म है। अब आप इसके बारे में बताइए, ये कितनी उम्र की हो गई थी पिछले जन्म, कितनी बड़ी हो गई थी? 10 साल की थी गुरुजी। 10 साल की। और आपका नामदान लखनऊ में लिया था उसने। अच्छा, लखनऊ। और आज भी लखनऊ में बैठी है? आज भी लिया लखनऊ में बैठी है। लखनऊ बैठी है। तो ये कैसे मर गई थी? ये गुरु महाराज, तबीयत बुखार आ गया था। पलटी हो रही थी। तो बस ये कहती थी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हम मरे तो हमें यही बाप माता रानी मिले, हमें गुरु महाराज की करें पूजा। तो जैसे हमारी लड़की है तो वो उसके साथ वह रहती थी, भंडारा भी करती थी, गुरु महाराज का प्रसाद चढ़ाती थी। बहुत अच्छा। तो प्रसाद चढ़ाती थी, तो इसका फिर जन्म हुआ। इसने जन्म हुआ, इसके दाऊ लेके गए जमुना जी में, तो वो पत्थर रख दिया। तो इसे बता रही थी कि हमारे दाऊ ने सिरवाया, पत्थर भी रख दिया ऊपर, पत्थर रख दिया। हाँ। था, ये देख रही थी, आत्मा देख रही थी, आत्मा देख रही थी, उसने बताया। फिर यह पहुंची है परलोक में, तो बता रही थी कि हमें फुलसंदे वाले बाबा मिले वहां पर। वो कह रहे थे कि एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, बेटी जाओ दोबारा जन्म दे। पूरा बताया इसने हमें। हाँ, तो फिर कहने लगी कि जब इसकी बहन आई, इसके सूट रखे थे पहले जमाने में, तो ये सूट पहनने लगे। वो इससे बड़ी है लड़की, अच्छा, बहन, तो वो पहनने लगे सूट, सिना ले, कहे हम सूट हमारे हैं, हम सूट नहीं देंगे अपने। तो ये कहने लगी, कहाँ लगी पापा, हम कहे इनसे बोली, माँ हमें, हम तो गुरु महाराज की करिए पूजा, हमें गुरु जी ने हमें लौटारो है। हम तो ये कहे कुछ काम करे घर में, बस यही कहती, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, और कहा हमें गुरु जी वहाँ मिले, बस यही कहा हमें गुरु जी मिले हैं, गुरु जी ने हमें दिया। अच्छा, इसने पिछले जन्म में आपको पैसे भी तो दिए थे? पैसे दिए थे, कहे हमको पैसे दो, हमको कितने पैसे थे? 500 गुरु जी, 500 रुपए। तो ये भंडारा भी करती थी, भंडारा प्रसाद भी बांटती थी। हाँ, हाँ, व्रत भी रहती थी, व्रत भी रहती थी, पवित्र आत्मा है, तभी वापस आ गई, वापस आ गई। तो अब कितनी उम्र हो गई होगी इसकी? इसकी 14 साल की ना, 14 की। किस परिवार में पहले जन्म था इसका? ये माली, माली सैनी परिवार में, और अब भी उसी परिवार में, उसी में परिवार में। माता पिता भी वही है पहले? हाँ, वाले, पहले वाले है? प्यार उतना ही कर रही जिसे अगले जन्म में करती थी, तब अब वो प्यार कर रही माँ बाप। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो परलोक में भी इसने देखा कुछ? फिर परलोक में बताया गुरुजी, अच्छा, कि हमें गुरुजी ऐसे मिले जैसे यहाँ पर है, और छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ। तब भी बताया, और बड़ी में ये तो सोचे कि बहाना कर रही है। हाँ, हाँ। छोटे में बताया थी, 5-6 साल की थी, तब भी कह रही थी हमें गुरु महाराज वहाँ मिले, और उन्होंने कहा कि जाओ बेटी नीचे जाओ। अच्छा अच्छा, नीचे जाकर पत्थर फेंको, हम ऊपर आ गए तो फिर पत्थर बांधे, गुरु महाराज। अच्छा, पत्थर कैसे फेंका? पत्थर बांध के नहीं, मट्टी गई है तो वो उतराने लगी होगी। अच्छा। तो इसे के ताऊ ने उसमें बांध दिया कि मट्टी नीचे बैठ जाए। अच्छा, अच्छा। तो वो आत्मा देख रही थी गुरुजी, उसे वो पूरी बताई इसने। अच्छा, अच्छा। ठीक ठीक। तो देखिए, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, और जिन आत्माओं के संस्कार प्रबल होते हैं वो फिर से उस परमात्मा की आराधना में लग जाते हैं, पुण्य कर्मों में लग जाते हैं। ऐसे ये हमारी बेटी है, तपस्वनी है, तपस्वनी आज से इसका नाम तपस्वनी रखा है। तो अब पढ़ाई कर रहे बिटिया, कौन सी क्लास में हो? सिक्स में। सिक्स, बहुत अच्छा है। खूब पढ़ो, आराधना करो, पुण्य कर्म करो, है दान पुण्य भी करो, और प्रसाद बांटा करो, भंडारा जैसे करते थे पहले वैसे ही करो, ठीक है? करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये रहस्य हैं, ईश्वर के रहस्य हैं, पुनर्जन्म है, परलोक से फिर वापस आत्मा आती है, उसी परिवार में है, वही माता पिता दोबारा मिल गए। यह गुरु महाराज पहले भी कहती थी,
अंग्लेजराम में, जैसे आपका नाम दान कराया था इन्होंने बुद्धेश्वर मंदिर में, तब यह कह रही थी कि हम इसीलिए कर रहे हैं, हमें अंग्रेज जलम फिर उसका जना रहा था कि हम मरेंगे। अच्छा, हाँ उसका अभ्यास रहा था कि दोबारा मरने के बाद में दोबारा फिर यही गुरु मिले, हम गुरु मिले, हमें माता पिता मिले, ये भी गुरु मिले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम देखते हैं इस तरह से जब हमारी डोर गुरु चरणों में बंध जाती है, परमात्मा से बंध जाती है, तो वो ही हमें अगले जन्मों में मिलते रहते हैं और हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।